ओप्पो A79 वर्सेज आईफोन 15। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोज मैंने क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और गाइज आईफोन 15 के अंदर फर्स्ट टाइम 15 सीरीज के अंदर जो वो एप्पल ने 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा दिया है, तो टेस्ट करते वाकई में 48 मेगापिक्सल का कैमरा जो काम करता है या ऐसे एप्पल ने जो चिप का दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशु, रात देख रहा हूं राधे बीट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास iPhone 15 और Oppo A79। तो गाइस बात करते हैं iPhone 15 की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का प्लस 12 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं Oppo A79 की, तो यहाँ पे भी आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको iPhone 15 के अंदर एक 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं Oppo A79 की, तो यहाँ पे आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज और वीडियोज क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी iPhone 15 और इसी Oppo A79 5G के फ्रंट कैमरे को यूज करते हुए क्लिक की है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
दोस्तों, अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी आईफोन 15 और इसी ओप्पो A79 के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइस, आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ओप्पो A79 5G का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। यू नो, आईफोन 15 के अंदर भी फोटोज अच्छे ही आते, लेकिन कुछ इतना मेजर रोल प्ले नहीं करता यहाँ पे आईफोन। जैसे कि एक कम बजट वाले स्मार्टफोन भी आईफोन जैसे सेम फोटोज क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि आपने वीडियोस में देखा ही होगा। हो सकता है 19-20 का फर्क हो, लेकिन हाँ, वीडियोग्राफी के अंदर डेफिनेटली बहुत ही मेजर फर्क है। जैसे कि आईफोन 15 का वीडियो क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही सही है। और आपको इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय करना है तो गाइस, चॉइस इज योर्स। आपके पास पैसे है, आप आईफोन अफोर्ड कर सकते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज ओप्पो भी इसके मुकाबले अच्छा ही है। जैसे कि आपने देखा होगा कैमरा टेस्ट में, आईफोन के जैसे ही फोटोज़ क्लिक करता है ओप्पो भी, कुछ इतना मेजर डिफरेंट मुझे नहीं लगा। जैसे कि आईफोन 15 के अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड के अंदर इतने ख़राब फोटोज आते हैं, आईफोन के अच्छे आते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जो भी फ़ोन लेना चाहो ले सकते हो, चॉइस इज योर्स। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उस हिसाब से आप इन दोनों से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय कर सकते हो। तो एपी गाइस, के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।